Okay, so welcome student to chapter number 4, and in chapter number 4 we are going to understand how to read and write data step. Second, we are going to learn how to create new computed column, and in last segment we are going to understand how to use if else statement for creating new column. तो चलो शुरुआत करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, myself प्रोफेसर महेश माली, वेलकम टू my एजुकेशनल चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, एंड आई एम हियर टू मेक योर लर्निंग सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें, डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे अपना डेटा सेट जिसका नाम है कार्स, और इसका जो सिंटैक्स है या फिर उसका जो स्कीमा है ये कुछ इस तरीके से है। इनवॉइस मतलब एक्चुअल प्राइस, और एमएसआरपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, और बाकी मॉडल वगैरह ये सब यहाँ पे दिया गया है। वैसे ही अपने पास एक सिंपल टेबल हमने लिया जिसका नाम है स्टूडेंट, और इसमें एज, बर्थ डेट, हाइट, नेम, सेक्स और वेट, ऐसे सिंपल कॉलम्स हैं। तो हम लोग आज टोटली ये दोनों टेबल्स पे काम करेंगे, ठीक है। और हम लोग अभी सबसे पहले जो अपने चैप्टर वन का पहला टॉपिक है जिसे बोलेंगे रीडिंग एंड राइटिंग द टेबल। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल रीड द डेटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल एंड राइट इट टू अनदर टेबल। तो नया टेबल कैसे बनाएंगे, देखो डेटा स्टेप लिखेंगे पहले स्टूडेंट। अभी आप बोलोगे यहाँ पे लाइब्रेरी का नाम नहीं लिखा है हमने, लाइब्रेरी का नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब ये होता है वर्क लाइब्रेरी, ठीक है। ये नया टेबल कहाँ पे बनेगा, वर्क लाइब्रेरी में। एक बार वो सही हो गया, इफ आई एम वेरी श्योर कि अभी ये करेक्ट जा रहा है, तो मैं इसे शिफ्ट करूंगा पर्टिकुलर लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे सेट मतलब इनपुट कहां से लेना है, ये टेबल आएगा किधर से। तो ये टेबल आएगा सैंपल नाम के लाइब्रेरी में। मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम स्टूडेंट, अभी मैं इसे करूंगा रन, ठीक है। हमेशा याद रखना डेटा स्टेप में आप क्या लिखते हो, डेटा स्टेप में आप लिखते हो आउटपुट टेबल, यहां पे आप लिखोगे आउटपुट टेबल, और सेट में क्या लिखते हो बेटा आप इनपुट टेबल। ग्लोबल सर्टिफिकेशन में ये क्वेश्चन काफी बार आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसे रन करेंगे, और ये देखिए मेरा टेबल क्रिएट हो गया, लेकिन टेबल देखने का ये तरीका सही नहीं है। हम लोग टेबल देखने के लिए यूज करते हैं प्रॉप प्रिंट। तो चलो प्रॉप प्रिंट डेटा, अभी अपना जो नया टेबल है ये वर्क में है, तो मैंने यहां पे लिख दिया। वर्क लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ न्यू स्टूडेंट लिखा तो भी ये काम कर लेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी इज वर्क लाइब्रेरी। और ये देखो मेरा पूरा टेबल यहाँ पे कॉपी हो चुका है, बराबर है। कोड को समझते हैं, इनपुट टेबल उठाया और आउटपुट टेबल में लिख दिया। अभी इनपुट टेबल से उठाना और आउटपुट टेबल में लिखना काफी आसान होता है, लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं सर मुझे सारे लोग नहीं चाहिए, आई वॉन्ट ओनली द फीमेल स्टूडेंट्स टू बी शिफ्टेड टू द न्यू स्टूडेंट टेबल, तो उसके लिए अपने को यहाँ पे एक फिल्टर कंडीशन लिखना पड़ेगा। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फिल्टर कंडीशन लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेयर। वेयर में हम लोग लिखेंगे कॉलम नेम सेक्स इज इक्वल टू, अभी यहां पे अपने को पता है कि फीमेल ये अपना कंडीशन है, ठीक है। दिस इज कमेंट, सो इट इज नथिंग बट रो कंडीशन, मतलब रो तभी प्रिंट होगा जब ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा। तो चलो एक बार हम लोग ये रन करके देखें, और मेरे सामने
सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स दिख रहा है। देखो कोड में पहले मैंने ये डेटा स्टेप बनाया और फिर वो प्रॉप प्रिंट किया। सो दिस इज द आइडियल वे टू लुक द डेटा इन योर टेबल। ओके, तो हमने अभी तक क्या क्या किया है, हमने सीखा टेबल को ट्रांसफर कैसे करें नए टेबल में और रो क्वालिफायर कंडीशन कैसे लिखें। अभी ये देखने के बाद आपको पूरा का पूरा कॉलम पता चल गया होगा। नाउ मुझे और एक कंडीशन लगाना है, जिनका हाइट, गर्ल्स हुज हाइट इज अबाव 60, आई वॉन्ट टू सी सच गर्ल्स दोज हु आर हैविंग हाइट अबाव 60 एंड मतलब आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन टूगेदर। हाइट ग्रेटर दैन 60, सो नाउ आई कैन डू सिंपल रन इट, सी आई हैव गॉट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके बेटा, सो यहां तक हमने सीख लिया हाउ टू फिल्टर द रो, आफ्टर हाउ टू फिल्ट्रेशन हाउ टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस, दैट ऑल्सो वी हैव सीन, एंड एंड और ये दो कंडीशंस होते हैं जो एज अ कनेक्टर काम करते हैं और हम लोग उनका यूज क्वेरी में कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर इफ इन माई रिजल्ट आई डोंट वॉन्ट ऑल द कॉलम्स, मेरे टेबल में मुझे ये सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे कुछ कॉलम को निकाल देना है, तो कैन आई डू दैट। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, यहां में से हाइट और वेट ये दोनों कॉलम को हम लोग यहां से निकाल देते हैं। निकालने के लिए अपने पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो ड्रॉप या फिर कीप। देखो ड्रॉप में आप वो कॉलम मेंशन करोगे जो कॉलम आपको निकाल देना है, हाइट वेट आपको निकाल देना है, या फिर आप कीप में वो ऑप्शंस रखोगे जो आपको रखने हैं, नेम एज सेक्स बर्थ डेट। अभी ये दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग पहले ड्रॉप ऑप्शन को रन करके देखेंगे कि ड्रॉप ये दोनों को ड्रॉप कर पा रहा है कि नहीं। देखो यहां पे हाइट और वेट का जो कॉलम था ये कोड के मुताबिक ड्रॉप हो चुका है, बराबर है, और अपने को वो कॉलम्स दिखाई नहीं दे रहे, तो हमने कॉलम को फिल्टरेशन कर लिया है। ठीक है, रो क्वालिफायर कंडीशन था, वैसे यहां पे हमने क्या कर दिया, कॉलम फिल्टरेशन कर दिया, कॉल्स फिल्टर, करेक्ट है। बट इफ आई वॉन्ट टू यूज कीप स्टेटमेंट, लेट्स चेक नेम एज सेक्स और बर्थ डेट, ये कॉलम रहने चाहिए, बाकी सब निकल जाएंगे। ओके प्लीज सी, ठीक है, तो यहां पे हमने क्या कर लिया, कीप कॉलम का भी वर्कआउट जान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब तक सीखा है हाउ टू फिल्टर द रोज, हाउ टू फिल्टर द कॉलम्स। ठीक है, होप सो एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा ऑपरेशन को डिफिकल्ट करेंगे। अभी हम लोग करने जा रहे हैं यही टेबल में एक पर्टिकुलर कॉलम को ऐड। ठीक है, और ये कॉलम ऐड करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं अपना दूसरा वाला टेबल जिसका नाम है कार्स, जो हमने यहाँ पे स्टडी किया है। अभी मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो दैट आई विल डेमोन्स्ट्रेट अवर सेकेंड टॉपिक जो है कंप्यूटिंग न्यू कॉलम्स। ठीक है, तो न्यू कॉलम कैसे क्रिएट किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे कार्स ढूंढेंगे कि जो यूएसए से मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, या फिर यूएसए से नॉट फ्रॉम यूएसए। तो कैसे करेंगे, उसके लिए कंडीशन होता है वेयर, ओके, वेयर ओरिजिन इज इक्वल टू भी हो सकता है, पर हम लोग अभी रिवर्स कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉट इक्वल्स टू, हम लोग ढूंढ रहे हैं नॉट इक्वल्स टू। देखो नॉट इक्वल टू लिखने का ये भी एक तरीका है, एन ई लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं न्यूमोनिक। ओके, तो यहां पे मैंने लिखा है यूएसए, आपका जो स्पेलिंग है कैपिटल स्मॉल ये आपको अच्छे से चेक करना होगा,
बिकॉज अदरवाइज इट मे गिव यू एरर, ठीक है। तो हम लोग इतना कोड पहले रन करके देखेंगे और फिर हम लोग उसमें एक कॉलम ऐड करेंगे। तो मुझे लगता है कि अपना जो टेबल था वो क्लियरली प्रिंट हो चुका है, और अगर आप ओरिजिन देखोगे तो ओरिजिन यहाँ पे एशिया यूरोप सारे आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे अगेन ओरिजिन पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज ओरिजिन के लिए जो कंडीशंस मैंने देखा था वो कंडीशन अप्लाई हुआ है, पर प्रॉब्लम ये था कि मैंने टेबल गलत प्रिंट किया है। तो चलो फिर से एक बार देखेंगे, और देखो यहाँ पे कोड में न्यू कार्स इज देयर, ठीक है, कोड रन हो चुका है, नॉट इक्वल्स टू यूएसए, दैट इज परफेक्टली करेक्ट आंसर, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द कार्स विच आर नॉट बिलोंग्स टू यूएसए। सो देखो यूएसए इज नॉट देयर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यूएसए इज नॉट देयर, ओके। सो प्लस आई डोंट वॉन्ट सो बिग टेबल, सो वॉट आई विल डू, आई यूज स्किप एंड आई प्लेस मेक ओरिजिन MSRP invoice, आई विल कीप ओनली दिस मच कॉलम्स विथ मी, नहीं तो बहुत बड़ा टेबल हो रहा है, सो देखने में वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो नाउ वी हैव अ वेरी गुड टेबल एंड इट इज रीडेबल टेबल, ओके। तो नाउ माई टास्क नंबर टू इज टू एड वन कॉलम, ओके, एड वन कॉलम टू इट। तो चलो उसमें कॉलम एड करते हैं, हम लोग ये वेयर कंडीशन को साइड में रख देंगे, और अभी हम लोग ले रहे हैं अपना कॉलम एड करने वाला स्टेप। कॉलम का जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, मेरे कॉलम का नाम है प्रॉफिट, कॉलम का नाम क्या बेटा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एमएसआरपी प्लस इनवॉइस, इन दोनों का डिफरेंस बना के मैंने एक कॉलम बना लिया। देखो यहाँ पे टाइप देने की जरूरत नहीं होती है, डिफरेंस निकालने के बाद जो डेटा बनेगा अकॉर्डिंग टू दैट SAS will intelligently define that column का type, isn't it great? So let's see, हम लोग और एक variable बना रहे हैं source, okay? Source में मैंने लिखा non USA non USA vehicles, all right, so source मैंने बता दिया, और अभी मुझे ये दिखाते वक्त थोड़ा सा एनरिच करना है, सो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट यूज कर लिया, वी कैन यूज फॉर्मेट, एंड फॉर्मेट में मैंने प्रॉफिट एमएसआरपी और अपना इनवॉइस $10 के कन्वेंशन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। एक बार ये कोड रन करके देखते कि ये दो कॉलम्स ऐड हुए हैं कि नहीं, अभी मुझे ये दो कॉलम्स कीप में रखने पड़ेंगे, अदरवाइज कॉलम्स आउटपुट में नहीं दिखेंगे, तो कीप में मैंने ये कॉलम ऐड कर दिए और मेरा कोड मैंने रन कर दिया। तो देखिए मतलब देखते वक्त अगर आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे, बिकॉज प्रॉफिट अच्छे से डॉलर्स में दिखाई दे रहा है एंड सोर्स इज शोन इन प्रॉपर वर्ड्स एंड ऑलमोस्ट ऑल आर द नॉन यूएसए कार्स, ओके, सो इट हैज शोन यू अ प्रॉपर सिंटैक्स एंड वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड टू कॉलम्स इन द टेबल। नाउ लाइकवाइज वी कैन एड सब्ट्रैक्ट डेट्स ऑल्सो, ओके, so there are many functions which we can use here, theek hai, mean max and all things can be utilized. Now suppose I want from again the data, now see how to use the data directly. My library is sample and the cars is the, now see I can refer this side by side and I will create one more column
which is called as average mileage निकाल रहा हूं, मैं average निकाल रहा हूं. How I'll do that? There is a function called as mean. Mean function निकालना है अपने को. और mean of what? Mean of mpg in city, mileage in city and mileage in highways. इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे हम लोग. मतलब ये हाईवेज पे कितना एवरेज देता और ये सिटी में कितना एवरेज देगा. इन दोनों का इफ आई टेक एवरेज देन आई गेट अ परफेक्ट एवरेज फॉर माय कार. सो लेट्स सी कार एवरेज. नाउ इट विल बी बेटर इफ यू प्रिंट these both things over here, because otherwise you will not able to check whether average is correct or it is wrong. So let's run and please check our average is correct or wrong. 17 and 23 average is 20, that is perfect. So see how gradually we have added multiple columns. We have added columns with help of other column. We have added some constant columns, and then we have added columns with help of some function. ये जो function है इसे बोलते numeric function. Numeric functions में we have sum of two columns, mean of two columns, or many columns, more than two columns, median, range means mean and max, difference between mean and max is called as range, mean, max, number of values, n miss, missing values, non missing values, ye sab hum log functions yahan pe use kar sakte hain. Plus we have one very good function like your upcase, lowcase. We can have make is equals to upcase make. Okay, मैंने अपकेस यूज कर लिया. ये अपने को कैपिटल में प्रिंट करके देगा. ओके, सो लेट्स सी लेट्स एग्जीक्यूट द कोड. ओके, मेक देखो लास्ट में आ रहा है. ये नया कॉलम है तो इट इज कमिंग टू लास्ट. But it is capital because we have used something called as upcase. Okay, so likewise we can do many things like SQL and all, proper case, concatenation, substring, such all functions are applicable. Okay, so the very important thing again, now let us see in your car function, do we have any date so that we can apply some date functions on it. Okay, so right now we don't have any date over here, but not to worry because we have a table with me which has date, which is a student table, to student table pe date operations karenge. Theek hai, humne already yahan pe ye condition dal diya tha, to condition remove karenge because I want many students so that I can check my data well. So yahan pe hum log kya kar rahe hain, now we are going to apply. Let's have B day. This is a new column. It will have the month of your birth date. Naya column hai. Yahan pe add kar denge B day. Let's see what it gives us. It gives me the birth ka day nahi de raha, birth ka month de raha. ओके, B1 लिखते हैं. ये बर्थ मंथ दे रहा है आपको. ठीक है, बर्थ का मंथ दे रहा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, न्यू स्टूडेंट मैंने प्रिंट कर लिया तो आई एम गेटिंग B1. ठीक है, B1 ऐड नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे किया ही नहीं. वेरी गुड. नाउ सी, ये हो गया बर्थ का
मंथ, अभी मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अभी मैं वही डेट का और निकालूंगा। ठीक है, और ये मेरा वैल्यू रहेगा B2। देखो मैं वो पूरे के पूरे नंबर को एनालाइज कर रहा हूं, उसका मंथ निकाला, उसका डे निकाला। लेट्स रन इट। आई गॉट द मंथ नंबर, आई गॉट द ईयर। नाउ फाइनल पार्ट लेफ्ट इज द डे ऑफ मंथ। ठीक है, तो यहां पे मैंने डाला है बी जीरो। ये देखो अभी एब्सोल्युटली मतलब क्लियर डेट आ गया 26/10/2004। अभी देखो देयर इज वन मोर फंक्शन अवेलेबल विच कैन कन्वर्ट, इफ यू नो मंथ नंबर, इफ यू नो डेट नंबर एंड ईयर, देन इट कैन कन्वर्ट इन टू द डेट वैल्यू। डेट वैल्यू, ओके, सो वी विल मैजिकली कन्वर्ट इट इनटू डेट वैल्यू। व्हाट इज डेट वैल्यू, व्हाट इज डेट वैल्यू, डेट वैल्यू मीन्स डिफरेंस बिटवीन द बर्थडे एंड 1st जनवरी 1960। इफ यू रिकलेक्ट माय फर्स्ट लेक्चर, दिस इज हाउ ऑसास स्टोर्स द वैल्यू। वी विल जस्ट राइट डी वी ना, इट विल बी सिंपल। सो देर इज अ फंक्शन नेम्ड एज एम डी वाई। फंक्शन का नाम क्या है बेटा, एम डी वाई। उसमें पहला जो इनपुट है ना ये मंथ नंबर है, तो मैंने बी वन लिखा, ठीक है, पहले रो के लिए। दूसरा जो इनपुट है एम डी, डी मतलब क्या बेटा, डे। डे कहां पे है, बी जीरो, और उसके बाद है ईयर। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं ईयर, ईयर है अपना बी टू में, और ये मेरा कॉलम हो गया डी वी तैयार, जिसे मैं बर्थ डेट के बाजू में प्रिंट करके देखूंगा कि वेदर इट इज कमिंग सेम एज व्हाट इट इज शोन इन द टेबल। मतलब देखो मैंने बर्थ डेट से ये तीन निकाला और ये तीन से वापस मैंने डे नंबर में कन्वर्ट किया, एंड जस्ट आई एम चेकिंग वेदर दे आर सेम और नॉट। सो हियर इज माय रिजल्ट, दे आर एग्जैक्टली सेम। मीन्स व्हाट आई हैव डन, आई हैव कन्वर्टेड डे नंबर इनटू the date, and now again I have converted my date into the day number. So these operations are very very important when it comes to the data processing. Now further to this, again we will move to our cars table and we will go for some if else processing. Okay, so now I will just remove our all the previous work and let us work ahead. I want to print all the cars which are having price more than 30,000. Okay, so I'll just add one condition. If let us take MSRP greater than 30,000, let them 30,000, less than 30,000, matlab low scale. Than 30,000, then cost, ये नया कॉलम है, is equal to low. Correct है, मैंने यहां पर एक नया कॉलम बना लिया। If MSRP is higher than 30,000, is equal to ठीक है। और अभी मैंने नया कॉलम बना लिया कॉस्ट, लेट्स एड दैट। मेक श्योर नॉट मोर देन वन सिंगल स्पेस, लेट्स रन इट। सी
अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है देखो, ये जो लेंथ है ना, पहले लो का लेंथ 3 था, तो कॉलम का लेंथ 3 डिफाइन हो गया, और उसकी वजह से हाई इज नॉट कमिंग। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको सॉल्यूशन, वी कैन डू वन थिंग, पुट फर्स्ट हाई एंड देन गो फॉर द लो ना, दैट इज ऑल्सो द नाइस टेक्निक बाय विच वी कैन गो अहेड। सी काम भी हो गया एंड नो एक्स्ट्रा कोड इज रिक्वायर्ड। ऑल राइट, सो आई हैव एडेड न्यू कॉलम विथ हेल्प ऑफ सम इफ कंडीशन। ओके, बट अलॉन्ग विथ इफ कंडीशन, नाउ हियर देर आर टू टाइम्स इफ कंडीशन इज रनिंग, बट इफ आई वॉन्ट टू अवॉइड दिस, ओके आई डोंट वॉन्ट दिस कंडीशन शुड रिपीट, सो आई कैन यूज हियर एल्स इफ। Else if MSRP, मतलब it will execute only either of them, it will not execute both of them, ठीक है? यहाँ पे previous में both of them will be has to be executed, but here either this executes, if this is executed, then second will not be executed, and if this is not executed first one, then only second one will be executed. तो चलो एक बार ट्राई करते हैं else if के साथ, और ये रन हो गया else if के साथ। तो हमने देखा कंडीशनल प्रोसेसिंग विथ इफ स्टेटमेंट, हमने देखा कंडीशन प्रोसेसिंग विथ हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है? हमने इसके बाद आपको सिखाया था लेंथ यूज करना है, ठीक है? अगर आपको लेंथ क्लॉज यूज करना है, मैंने आपको दिखाया था, बट मैंने वो रिमूव कर दिया था, सो बेटर आई विल शो यू दैट ऑल्सो लेंथ, ठीक है? लेंथ यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, पहले तो आप लेंथ लिखोगे, फिर आपके कॉलम का नाम लिखोगे जो है कॉस्ट, यस कॉस्ट नाम है कॉलम का, और ये कॉस्ट का जो लेंथ है ये आपको रखना है, पहले तो यहाँ पे डॉलर लिखना जरूर, बिकॉज इट्स अ कैरेक्टर एंड द लेंथ इज 5। ओके, तो इतना आपको केयरफुली लिखना पड़ेगा, तो ये पर्टिकुलरली आपका काम करेगा। देखो हम लोग यहाँ पे हाई लेते हैं, मतलब अगर ये वर्क नहीं करेगा ना, तो एलओ डब्ल्यू में से डब्ल्यू कट होना चाहिए अगर लेंथ ने काम नहीं किया तो। लेकिन यहाँ पे अपना लेंथ क्लॉज काम कर रहा है और इसलिए लो पूरा आ गया है। फर्स्ट असाइनमेंट को उसने डिफॉल्ट नहीं माना, इट हैज टेकन कंप्लीट 5 का लेंथ, एंड दिस इज हाउ वी आर रनिंग द कोड, ठीक है? तो यहां तक हमने सीख लिया, और अभी हम लोग एक बहुत अच्छा ऑपरेशन करेंगे जहां पे हम लोग साथ में दो डेटा सेट क्रिएट करेंगे। पे अटेंशन, वेरी गुड। मैं डाल रहा हूं लो कार्स और हाई कार्स, ये दो टाइप के कार्स रहेंगे। ओके, अभी मुझे ये कॉस्ट नाम का कॉलम नहीं बनाना है। अभी अगर इसका एमएसआरपी स्मॉलर देन 30 है, तो ये जो हाई आ रहा है ना, उसकी जगह पे मैं ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को डाल दूंगा वो वाले टेबल में। अभी ऑब्जर्वेशन कैसे डाला जाता है, तो उसके लिए कीवर्ड यूज होता है जिसका नाम है आउटपुट। क्या नाम है? आउटपुट। आउटपुट ये कीवर्ड यूज होता है, ये पूरा ऑब्जर्वेशन उठा के ये डालेगा। कौन से कॉलम में डालना है बेटा अपने को? हाई कार्स, हाई प्राइस वाले कार्स, तो हाई कार्स में मैंने डाल दिया। एल्स इफ एमएसआरपी इज दिस, देन we have to output as the low cars. तो क्या होगा, अगर प्राइस कम है तो वो लो कार्स नाम के टेबल में जाएगा, और अगर प्राइस ज्यादा है तो हाई कार्स नाम के टेबल में जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे अपने को कीप वगैरह कुछ रखना नहीं है, लेट्स गो विथ ऑल। तो मेरे पास दो डेटा सेट बनेंगे अभी, ठीक है? मैं करंटली सिर्फ देखूंगा लो कार्स,
इसके बाद में अल्सो आई विल प्रिंट द हाई कार्स ओके तो अभी अगर ये कोड चलेगा तो आई कैन क्रिएट इन अ सिंगल स्टेप आई हैव मैनेज टू क्रिएट टू आउटपुट टेबल्स ठीक है और ये आपके सामने टेबल आ चुका है ठीक है अभी आप बोलोगे बहुत बड़ा टेबल है सर दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कीप मेक ओनली एक ही कॉलम रखेंगे सो दैट वी कैन सी दैट कॉलम क्लियरली लो कार्स में जाके देखते हैं पहले थोड़ा सा वेट करना टेबल बड़ा है इसलिए वो लोड होने में थोड़ा टाइम ले सकता है अभी देखो ये जो कीप और ड्रॉप है ये आपके प्रॉप प्रिंट में नहीं चलता है प्रॉप प्रिंट में क्या यूज करते हैं हम लोग वेयर यूज करते हैं मैंने ये लास्ट लेक्चर में सिखाया था ठीक है प्रॉप प्रिंट में अगर आपको लिमिट करना है तो यहाँ पे वेयर यूज होता है तो देखो यहाँ पे इतने सारे लो कार्स हैं और इतने सारे हाई कार्स हैं अगर आपको नहीं सर उसका प्राइस चेक करो सर नहीं तो गड़बड़ होगा प्राइस में तो चलो प्राइस भी चेक करते होंगे जिससे कि आई कैन रेस्ट अश्योर कि ये लो कार्स में लो प्राइस वाले कार्स ही हैं देखो मिल रहे हैं कि नहीं आपको सारे वेरी गुड वैसे ही हाई वाले में 30,000 से हाइयर वाले मिलेंगे राइट सो यहाँ पे हमने कर लिया ये कोड रेडी जहां पे मैंने इफ एल्स को यूज करके एक टेबल को बाइफरकेट कर दिया ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है इन इंडस्ट्री बिकॉज व्हेन देयर इज अ मास्टर डेटा सेट कमिंग इन एंड इफ आई वांट टू डिवाइड इनटू सब ब्रांचेस देन वी कैन यूज दिस कंडीशन एंड वी कैन डिवाइड आर डेटा इनटू मल्टीपल ऑपरेटेबल टेबल्स सो आज के लिए बस इतना ही आज हमने सीखा डेटा टेबल कैसे बनाते हैं उसमें टेबल को फिल्टर कैसे करेंगे फिल्टर करने के बाद नए कॉलम कैसे ऐड करेंगे कॉलम को कैसे फिल्टर करेंगे विथ ड्रॉप एंड कीप कॉलम को ऐड करने के कई तरीके देखे हमने एक तो दूसरे कॉलम का हेल्प लेके दूसरा कांस्टेंट वैल्यू लेके तीसरा कोई फंक्शन यूज करके फंक्शन में न्यूमरिक फंक्शन है कैरेक्टर फंक्शन है डेट फंक्शन है तीनों फंक्शन हमने थोड़े थोड़े देख लिए अगले चैप्टर में हम लोग डिटेल्स में जाएंगे फंक्शंस के उसके बाद में मैंने आपको सिखाया इफ एल्स प्रोसेसिंग जहां पे मैंने आपको इफ एल्स का हेल्प लेके नया कॉलम ऐड कैसे करना है वो सिखाया उसके बाद में मैंने आपको सिखाया इफ एल्स का यूज करके मल्टीपल डेटा सेट्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाए तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे से डेमोंस्ट्रेशन लेक्चर के साथ नेक्स्ट टाइम चलो बाय बाय तो ऐसे ही लाइक करते रहें सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स